देखिए आप पढ़ते हैं थोड़ा सा उपग्रह संचार के बारे में, यानी संचार में अपन ने पढ़ा कि व्यक्तियों के द्वारा अपने जो स्थानिक विचार होते हैं, संदेश, उनका आदान प्रदान होता है। अब देखें थोड़ा उपग्रह संचार, यानी लास्ट अपना संचार में पढ़ रहे हैं, यानी उपग्रह के क्षेत्र में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस में अंतरिक्ष विज्ञान में उन्होंने बहुत ज़्यादा शोध किया और उपग्रह के माध्यम से प्रक्षेपण किए। और पृथ्वी की कक्षा में देखें तो बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह उन्होंने भेजे थे, जिसके माध्यम से सैटेलाइट से क्या होती है, सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अपन थोड़ा सा भारत के बारे में पढ़ते हैं, यानी भारत ने देखें तो अपना प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह था वो कौन सा था, आर्यभट्ट था, और उसका प्रक्षेपण कब किया था, 19 अप्रैल 1975 को किया था। यानी एक नंबर का ही प्रश्न आया, कोई विस्तार से प्रश्न नहीं आएगा कि भारत के द्वारा प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब और कब किया गया था और उसका नाम लिखिए। तो भारत ने जो पहला उपग्रह था उसका प्रक्षेपण कब किया था, 19 अप्रैल 1975 को किया था, और उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। तो ये ध्यान रखना है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए पहले उपग्रह का नाम क्या था और उसका प्रक्षेपण कब किया गया था, यानी 19 अप्रैल 1975 को किया गया था और उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। उसके बाद देखें भारत ने भास्कर फेस्ट 1979 में और रोहिणी का प्रक्षेपण भी 1981 में किया था। और ये रोहिणी देखें तो पूर्णतः क्या था, प्रथम स्वदेशी उपग्रह था, यानी इसकी जो तकनीक थी वो भारत में क्या की गई थी, निर्मित की गई थी। उसके बाद देखें जैसे भास्कर, चैलेंजर, इनसेट 1B आदि भी भारत ने उपग्रह भेजे अंतरिक्ष में, उसके माध्यम से दूरदर्शन है, रेडियो है, उसको क्या बनाया, बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाया है। तो उपग्रह संचार में दो बातें ध्यान रखनी है, कोई एक नंबर का ही प्रश्न इनमें से आएगा भारत के संदर्भ में कि भारत ने अपना पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित किया था और उसका नाम क्या था। तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया था और उसका नाम क्या, 19 अप्रैल 1975 को किया था। उसके पश्चात देखें तो भारत ने कौन सा भेजा था, भास्कर फर्स्ट भेजा था 1979 में, और उसके बाद क्या भेजा था, रोहिणी भेजा था, वो कब किया था, 1981 में। और ये रोहिणी देखें तो पहला क्या था, स्वदेशी उपग्रह था, स्वदेशी मतलब भारत में निर्मित क्या था, उपग्रह था। अब देखिए अंतिम है अपना साइबर स्पेस इंटरनेट क्या और इसका उपयोग स्पष्ट करें, यानी तीन नंबर का प्रश्न आता है कई बार कि साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है और इसकी उपयोगिता क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, देखिए साइबर स्पेस विद्युत कंप्यूटरीकृत स्पेस संचार है, यानी साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत, यानी कंप्यूटर द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक है उसमें कंप्यूटर द्वारा जुड़ा हुआ एक संचार है। यानी पूरी तरह देखें तो साइबर जो स्पेस होता है उसमें विद्युत के द्वारा जो कंप्यूटरीकृत है, यानी कंप्यूटरों के द्वारा जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, और उसमें संचार के लिए क्या ले जाते हैं, तकनीकी काम में ली जाती हैं। और ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट WWW जो आपने कंप्यूटर में पढ़ी होगी, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है, आवृत का ढका हुआ है, यानी पूरा क्षेत्र देखें तो WWW में आता है, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, यानी इंटरनेट देखें तो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, यानी बहुत विस्तृत नेटवर्क है। पूरे विश्व में देखें तो एक पूरा संचार के क्षेत्र के माध्यम में देखें तो ये कंप्यूटरीकृत क्या जुड़ा हुआ है। जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है, यानी जिस गति से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक जो नेटवर्क है उसका विस्तार हुआ है, वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है, यानी पहले कभी नहीं देखा गया। इंटरनेट प्रयोगकर्ता देखें तो 1995 में 5 करोड़ थे, 2000 में देखें तो विश्व में 40 करोड़ हो गए, 2005 में देखें तो 100 करोड़ हो गए, और जून 2016 में देखें तो लगभग 363 करोड़ प्रयोगकर्ता क्या हैं, जुड़ चुके हैं, यानी इतने लोग क्या हैं इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें भी देखें तो विश्व में सर्वाधिक प्रयोग करने वाले कहाँ पर, 49.6% यूरोप में, 16.9% कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और 10.70% लोग देखें तो एशिया में क्या इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। यानी धीरे धीरे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक जो करित विद्युत करित कंप्यूटर स्पेस है उसका क्या हो रहा है, पूरे विश्व में विस्तार हो रहा है, और इसके जो प्रयोग करने वाले हैं उनकी संख्या में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो दोबारा से देखिए कि साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है और इसकी उपयोगिता स्पष्ट करें, कि साइबर स्पेस देखें विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस संचार है, यानी साइबर स्पेस देखें तो पूरा विश्व के जो कंप्यूटर हैं वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से क्या है कि संचार के माध्यम से जुड़े हैं। और यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट WWW
जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है, आवृत का मतलब ढका हुआ है, जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ, यानी जिस गति से देखें जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, जो कंप्यूटरीकृत है, उसका विस्तार हुआ है, वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व, यानी पहले कभी नहीं देखा गया। और इंटरनेट प्रयोगकर्ता देखें 1995 में 5 करोड़ है, 2000 में 40 करोड़ है, 2005 में 100 करोड़ है, और जून 2016 में देखें तो लगभग 363 करोड़ के हो चुके हैं, इससे जुड़ चुके हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रयोगकर्ता देखें 49.6% कहाँ पर है, यूरोप में, 16.9% देखें संयुक्त राज्य अमेरिका में, 10.70% लोग देखें तो एशिया में, क्या इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। ये इंटरनेट जो प्रयोग करने वाले उनकी संख्या में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वर्तमान में देखें तो करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, और साइबर स्पेस के लोगों ने देखें, यानी साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक, समकालीन जो वर्तमान में आर्थिक क्षेत्र है उसमें इसका प्रयोग बढ़ रहा है। इसके अलावा सामाजिक कार्यों को जैसे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ई वाणिज्य इंटरनेट के माध्यम से जैसे व्यापार व्यवसाय है, इंटरनेट ई शिक्षा, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा है, और ई प्रशासन, ई प्रशासन मतलब जिसको अपने इंटरनेट के माध्यम से जो प्रशासनिक गतिविधियाँ जैसे डिजिटल इंडिया अभियान चल रहा है, जो नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे गवर्नेंस में देखें, प्रशासन में देखें, तो उसमें नए नए जो इंटरनेट के माध्यम से क्या हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, जो सूचनाएं थी उनका संप्रेषण क्या हो गया, आसानी से हो गया, तो और उसका क्या करेगा, विस्तार करेगा। फैक्स, टेलीविज़न और रेडियो के साथ, यानी फैक्स के माध्यम से देखें, टेलीविज़न के माध्यम से देखें, रेडियो के माध्यम से देखें, तो इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते, यानी जो समय है और एक स्थान से दूसरी सीमाएं थी उसको उन्होंने और विस्तार किया, और अधिक से अधिक लोगों तक क्या हो गई, पहुंचेगा। और ये आधुनिक संचार प्रणाली हैं जिन्होंने परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को स्वीकार किया। यह आधुनिक संचार प्रणाली हैं जिन्होंने परिवहन से ज़्यादा देखे तो कहीं वैश्विक ग्राम, यानी पूरे विश्व क्या बन गए, गांव बन गए, इस संकल्पना को क्या किया इन्होंने, साकार किया। यानी आज अपन देखें तो थोड़े से समय में कोई सूचना है, कोई घटना है, वो इस WWW वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के द्वारा, जो पूरा एक कंप्यूटरकृत सफेद संसार उसके माध्यम से क्या हो चुकी है, पहुंच चुकी है, तो पूरा विश्व क्या हो गए, गांव के समान हो गए, यानी ये घटना पूरे विश्व में क्या होती है, तुरंत ही पहुंच जाती है। तो ये इसके क्या है, उपयोग है। इसके अलावा इसके उपयोग और भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कोई वन विनाश क्षेत्र है, प्रदूषण नियंत्रण, नगर नियोजन के बारे में जानकारी जुटानी है, शैक्षणिक संस्थान है, व्यवसायिक इकाई है, इन क्षेत्रों में क्या, और इसका प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। तो ये है WWW साइबर स्पेस इंटरनेट, यानी बहुत ही अच्छे से याद करना है कि साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है और इसका उपयोग स्पष्ट करें। तो ये देखिए, तो साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरकृत सफेद संसार है, यानी विद्युत द्वारा जुड़ा हुआ कंप्यूटरकृत, मतलब एक पूरा नेटवर्क देखें वो क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट WWW जैसे इंटरनेट द्वारा क्या है, आवरित यानी घिरा हुआ है, और जिस गति से देखें इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क था उसका विकास हुआ है, वो मानव इतिहास में अभूतपूर्व, यानी पहले कभी नहीं देखा गया। और इंटरनेट प्रयोगकर्ता देखें 1995 में 5 करोड़ थे, 2000 में 40 करोड़ हो गए, 2005 में 100 करोड़ हो गए, यानी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जून 2016 में देखें तो लगभग 363 करोड़ प्रयोगकर्ता हो चुके, और विश्व में देखें तो सर्वाधिक प्रयोगकर्ता 49.6% कहाँ पर है, यूरोप में, 16.9% संयुक्त राज्य अमेरिका में, और 10.70% लोग क्या हो गए, एशिया में जुड़ चुके हैं, यानी इंटरनेट की जो प्रयोग करने वालों की संख्या है। और इसका जो प्रयोग है वो प्रतिवर्ष क्या है, करोड़ों लोग करते हैं इंटरनेट का। साइबर स्पेस के द्वारा देखें तो लोगों के समकालीन आर्थिक, यानी जो आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक कार्य है जैसे ईमेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के माध्यम से व्यापार वाणिज्य है, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा है, ले ही रहे हैं आप, इंटरनेट के माध्यम से प्रशासन, जो डिजिटल इंडिया अभियान चल रहा है, या प्रशासन के माध्यम से जो भी सूचनाएं वो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, गुड गवर्नेंस या उनके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं, फैक्स, टेलीविज़न, रेडियो आदि के साथ इंटरनेट समय और स्थान की जो सीमाएं थी, यानी समय को भी इसने बहुत ज़्यादा पार किया, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक देखें तो इन्होंने क्या किया, बहुत अधिक लोगों तक इसने जानकारी सूचनाएं पहुंचाई। और ये आधुनिक संचार प्रणालियां, यानी वर्तमान में जो नई संचार प्रणालियां हैं वो हैं जिन्होंने परिवहन, यानी परिवहन से भी ज़्यादा देखें,
तो वैश्विक ग्राम की संकल्पना को स्वीकार किया है। यानी परिवहन तो पहुंचता है, बहुत तीव्र साधन आए परिवहन के भी, लेकिन इंटरनेट के पूरे विश्व को एक गांव के समान क्या करा इसने, माना है। यानी पूरा जो घटनाएं होती हैं वो एक स्थान से तुरंत विश्व के किसी भी कोने या जगह पर पहुंच सकते हैं इसी इंटरनेट के माध्यम से। तो ये था अपना 10वां पाठ, परिवहन और संचार। काफ़ी कठिन पाठ है, बड़ा प्रश्न भी आएगा इसमें 4 नंबर का, या तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग उसमें से, या फिर जो महासागरीय समुद्री मार्ग अपन ने पढ़े, उत्तरी अटलांटिक है जैसे भूमध्य सागर, हिंद महासागर है, उत्तमासा है, दक्षिण अटलांटिक है, सवेज या पनामा नहर में अंतर पड़ा अपन ने वो ध्यान रखना है, पाइपलाइन का महत्व देखना है, वायु परिवहन का महत्व देखना है, मुख्य पाइपलाइन है उनमें से कोई प्रश्न आएगा, या अंतिम देखें तो यह साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, इसका उपयोग स्पष्ट करें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर का आ सकता है कि साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट करें। तो इसी के साथ अपना जो 10वां पाठ है वो क्या होता है, समाप्त होता है, परिवहन और संचार।